देखिए, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा साधन है सजगता। जो व्यक्ति सजग है वही इस विकार से बच सकता है। अन्यथा कोई सोचे कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा साधक हूं, मुझे तो ये अवरत कर ही नहीं सकता। आपके पास कितने ही पूर्ववत उदाहरण हैं कि कितने ही ज्ञानी तेजस्वी तपस्वी भी कई बार अवरत हो जाते हैं, ढक जाते हैं, बंध जाते हैं इस काम से। इसीलिए भगवान ने कहा है कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, कि ये ज्ञानियों को भी ढक लेता है। ज्ञानी नो नित्य वैरिणाम, यानी कि ये ज्ञानियों का ही शत्रु है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि काम तो बड़ा सुखदाई है, लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है कि ये मेरा शत्रु है, इससे मुझे कैसे भी करके बचना है। तो ये जो एक रवैया होता है ज्ञानी व्यक्ति का, जो बोध रखता है, समझ रखता है कि मुझे कैसे भी इससे बचना है, तो जैसे ही ये विकार आता है वैसे ही वो इसका त्याग करता है, तुरंत तत्क्षण त्याग करता है। अगर त्याग करने में क्षण भर की देरी हुई तो समझें कि इसने आपको घेर लिया।